ये देखो अभी ये गाड़ी आया है, प्रेस्टो है गाड़ी का नंबर है। ये अभी टेम्पो से अभी उतारा हुआ गाड़ी। ये गाड़ी उलवे से आया है। हाँ सर, उलवे कुठे आला? उलवे टाका ना कुठे, उलवे सेक्टर 18 करा, 18 उलवे से आया है। पेन जो अपना नया एयरपोर्ट बन रहा है उधर से आया है गाड़ी। मुंबई गोवा हाई वे, मुंबई गोवा हाई वे एक्सप्रेस उलवे गाँव आता है उधर से आया है। देखेंगे अभी तो फिलहाल एम प्रॉब्लम दिखा रहा है गाड़ी का, तो खोलने के बाद सब पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। ये देखो एम प्रॉब्लम शो हो रहा है गाड़ी का, काम तो हो जाएगा परफेक्ट। देखो ये गाड़ी उलवे से आया, अभी इसका बैटरी मीटर आपको निकल दिए, बैटरी है अभी खोल रहे हैं, अभी चेक करेंगे एम का प्रॉब्लम है इसके अंदर, एम का प्रॉब्लम है इसके अंदर, अभी देखते हैं एम का प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर मेन बात। ओके तुमको मैं दिखाता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, मोटर खोलने के बाद दिखाते हैं। ओके चलो भाई, अंदर सेंसर हम चेक करते हैं, हमें इशू काहीतरी आहे, त्यांचा प्रॉब्लेम आहे। आता मोटर खोलून बघा, दाखवत बघा ते, हो आता मोटरचा इशू आहे। सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम काल बोलणं झालं होतं का? दोनशे 66 672 एक झालं सर, 672 लोक। अभी आपण मोटर खोले गे, अभी देखते क्या होता है मोटर खोलने के बाद। अभी ये पूरा गाड़ी अपनी नट ने खोल दिया इधर से, अब ये लोग जैसे अभी चालू है खोलने का पूरा। ये गाड़ी आया, अभी अपन इसको पूरा बैटरी इसका पूरा खोल दिया, मोटर भी निकाल दिया बाहर। गाड़ी ओला से आया, ये गाड़ी उलवे से आया, उलवे से, और उलवे अपने से बहुत दूर है। ऐरोली हम लोग का शॉप है, ऐरोली दीवा सर्कल, ईश्वरी मोटर। ये तो बैटरी अभी मोटर अभी पूरा खोलेगा अपन, अभी ले लेंगे खुलने का पूरा अपने को, खुलने का तुमको दिखाता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। खोल दिए पूरा बोल्ट इसका, निकल दिए अभी ज़्यादा निकल रहे इसको पूरा बाहर, देखते अपन इसमें अभी क्या इशू है। ओके तो पूरा खोले, ये गाड़ी उलवे से अपने पास आई है अभी, मुंबई नई मुंबई से। लोग एक ही फटके में निकल गया, उलवे से गाड़ी है, ऐरोली दीवा सर्कल, ईश्वरी मोटर्स। ये देखो पूरा पानी है इसके अंदर, ये देखो पूरा पानी है, बेरिंग का आवाज़ देखो कैसा है, पूरा पूरा बेरिंग गए देखो। अब ये देखने का इसमें क्या है पूरा पानी पे, देखो कितना पानी है इसके अंदर पूरा, देखो ये, और ये भी बेरिंग डालने का इसके अंदर, ये किधर तो खोला था उसने, ये देखो टेप मारा ले इसको पूरा। अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको, कैसे करने का। ओके ये देखो ये पूरा पानी है इसके अंदर, अभी चेक करेंगे, हम लोग चेक करने वो तुमको दिखाते क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम है। गाइस वोल्टेज चेक करते थे, ये जो फ्रेंड्स वोल्टेज चेक कर रहे हैं,
लेते हैं तो कस्टमर लाइट है तो ये ले क्या है ये खराब झालंय दोन्ही ओके आता बुधवार चार्जर दादा चार्ज करतो दादा चार्जर नाही तुम्ही आला रिपेरिंग करणार हमने मोटर खोल दिया है पूरा अभी मैंने देखा तो इधर पूरा किसी टेक्नीशियन ने पहले काम किया है तो उधर ऐसा पूरा टेस्टिंग करके रखा है ज़्यादातर ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि काम करना है वो प्रॉपर ही करना है उनको सब वायर से डायरेक्ट इधर सोल्डरिंग करके ही कॉन्ट्रैक्ट करना है उसका क्योंकि उसके वजह से कैसा होता है वायर इधर इधर घिस गया कुछ भी हो सकता है पानी से फिर एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और ये अभी गाड़ी का हमें नया सेंसर प्लेट डालना है पूरा सेंसर तो एक गए लेकिन ये सेंसर प्लेट भी ख़राब हो गया देखो अंदर का कॉपर उधर बाहर आ गया पूरे प्लेट का बीच बीच में तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके लिए फिर पूरा सेंसर प्लेट ही चेंज करना है कस्टमर से भी अप्रूवल ले लिया उसको अपन पूरा इसका सेंसर निकाल दिए इधर सेंसर देखो ये नया सेंसर है अपने पास देखो ये नया सेंसर है अरे ये देखो ये जूना सेंसर है जूना सेंसर ऐसा जो जिधर उसने काम किया था पूरा बराबर नहीं किया था उसने अभी अपन शोल्डिंग बिल्डिंग मार के अपन देखो शोल्डिंग का मशीन गर्म किए ले अभी अभी ये जो नया है अपने पास वो आप इस पर फिटिंग करेगा अपने मोटर में तो उसके बाद मैं अभी फिटिंग करने के बाद तुमको दिखाता है कैसा मोटर फिट अपन कैसे फिटिंग करते हैं ओके उसके बाद पूरा फिटिंग करने के बाद तुमको दिखा देता है और दो बेरिंग भी डालने का अपने को ओके और गाड़ी अपने वैसे उलवे से आई है पूरा ये गाड़ी जो है अपने पास उलवे से आई है ये कस्टमर है ये गाड़ी पूरा उलवे से आई है उलवे नई मुंबई में और वो बहुत दूर से और अपना सर्विस सेंटर है आयरोली दिवा सर्कल ओके ये देखो अभी ये नया है ये जूना है अभी दादा देखो पूरा राजा था उसका सेटिंग कर रहे पूरा उसके बाद फिटिंग करने के बाद तुमको दिखाते हैं मैं ओके चलो गाइस अभी अपन सेंसर लगा रहे ये राज दादा हम लोग का सेंसर लगा रहे हैं ये देखो सेंसर का काम चालू हो गया दादा लगा रहे सेंसर थोड़ा मुश्किल है तो भी चलता है ओके जब ये सेंसर इसमें फिटिंग होएगा वायर में तो भी तुमको दिक्कत है मैं कैसे फिटिंग करेंगे ओके चलो गाइस अपन पूरा सेंसर का वायर जॉइंट हो गया है अभी दादा अभी शोल्डिंग कर रहे हैं दिख रहा है शोल्डिंग ये मोटर है इसका सब वायरिंग जॉइंट हो गया अपने से दादा ये सब शोल्डिंग मार के दादा ने चेक किया है अभी सिर्फ इसमें अपनी फिटिंग करने का भी सेंसर में तो फिटिंग होने के बाद देखता है क्या क्या इसमें ओके चलो गाइस फिटिंग करने के बाद दिखा देते अभी चेक कर रहे अपन सेंसर बराबर फिटिंग हुआ कि नहीं है फिटिंग प्रॉपर है सब मल्टीमीटर में बराबर आ रहा है सब ओके अभी देखो ओके सेंसर है चल रहा है सेंसर प्रॉपर एकदम ओके चेक कर रहे अपन ओके सेंसर अभी पूरा हेलो ओके अभी ये मोटर फिट करके हो गया देखो दोनों साइड का कवर लगा दिया है मोटर कवर मैंने अभी फिट हो गया है अभी उसका रनिंग देखना है फ्री होता है क्या रनिंग भी फ्री हो गया है अभी अभी उसका
सेंसर टेस्टर से सेंसर चेक करना है। ये अपना सेंसर टेस्टर है, ये लगा रहे, देखो ये लगा के खाली चालू करना है। ये तीनों लाइट ब्लिंक होना चाहिए, अभी अपना वर्किंग बराबर हो गया है, ये अपना काम परफेक्ट हुआ है गाड़ी में। अभी गाड़ी पे लगाएंगे, उसके बाद में ट्रायल पे जाएंगे। ये दीजिए, हमने अभी मोटर खाली टेम्प्ररी फिट किया है, खाली सेटिंग का बोल्ट टाइट करके लगा दिया है, क्योंकि उसको टेस्ट करना है अपना काम बराबर हुआ है, गाड़ी रनिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो देखने के लिए। अभी इधर का भी वायरिंग किया है बराबर, ऊपर का मोटर का सॉकेट लगा दिया है, अभी बैटरी अटैच करके गाड़ी चालू करते हैं। डायरेक्ट सब बाहर ही कर रहे काम, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा, चालू नहीं हुआ रहेगा तो इससे हमें तकलीफ ना हो जाए। देखो इनका भी सिंबल चला गया है, तो ये अपना काम परफेक्ट हुआ है। अब रनिंग देके देखते हैं गाड़ी चालू हुआ है, देखो यानी अपना काम अपना परफेक्ट हुआ है। गाड़ी का काम क्या है, स्लो स्पीड से लगा रहे हैं, क्योंकि अपना मोटर अपने प्रॉपर फिक्स नहीं किया है, पहले टेस्ट करने के लिए लगाया है, इसलिए स्लो स्पीड पे ही चलाएंगे। काम हुआ है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, अभी गाड़ी का सर्विस करना बाकी है, सर्विस होने के बाद कस्टमर लेके जाएंगे। गाड़ी जाता है, ये गाड़ी का अभी हो गया है पूरा सर्विस डन हो गया है, सर्विस भी डन हो गया, मोहन का प्रॉब्लम ही चला गया। ये गाड़ी भी देखो 68-70 की स्पीड से भाग रहा है, पूरा टकाटक हो गया है गाड़ी। अभी कस्टमर भी जा रहे हैं, तो